डियर स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चों और गुरुजनों को मेरा नमो नमः। टुडे डिस्कस व्याकरण खंड कक्षा सप्तम। टुडे डिस्कस संक्षिप्तम व्याकरणम संधिः। जब भी आप वीडियोज देखेंगे, बुक्स को ओपन कीजिएगा। बुक्स को ओपन करने के बाद पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स अच्छे से स्टडी कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती है मेरे को बताइए, पुनः उस चैप्टर्स को, उस टॉपिक को मैं बताने की पुनः कोशिश करूँगा। पेज नंबर 97 की बात कर रहे हैं हम, संक्षिप्तम व्याकरणम संधि। संधि होती क्या है? संक्षिप्तम जो व्याकरण है इसमें संधि क्या होती है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब भी दो वर्ण आते हैं, दो अक्षर आते हैं, उनमें मेल होने से या फिर मेल होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि की बात की गई है, संधि कहते हैं बताया गया है। यथा के रूप में मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर दो वर्ण मिल रहे हैं, उनके परिवर्तन कैसे हुए हैं? अ धन अ बराबर आ का प्रयोग हुआ है। तो उसी प्रकार दिन धन अंक, दिन शब्द के अंत में अ शब्द का प्रयोग हुआ है, अंक शब्द के पहले में प्रारंभ में अ शब्द का प्रयोग हुआ है। दोनों के परिवर्तन क्या हुए हैं? आ शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक, आ शब्द न में आ का मंत्र जुड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार गण धन इसह, गण धर इसह के बारे में देख सकते हैं कि गण जो शब्द है इसके अंत में अ शब्द का प्रयोग हुआ है, और उनकी इसह इसह के प्रारंभ में ई शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोनों वर्णों के परिवर्तन से ए का प्रयोग हुए हैं। तो ए का प्रयोग क्या हुआ है? गणेश। सदा धन इव, सदैव, इति धन आदि, इत्यादि, इनमें भी ई आ दोनों मिलकर या का निर्माण हुए हैं। यहाँ पर आ ए मिलकर ए का निर्माण हुए हैं। देख सकते हैं ये जो सदा शब्द है, सदा शब्द के अंत में सदा, सदा शब्द के अंत में क्या आ रहा है? आ शब्द का प्रयोग हुआ है। एव, एव शब्द के अंत में, एव शब्द के अंत में प्रारंभ में ए शब्द का निर्माण हुआ है। दोनों मिलकर आ धन एव मिलकर क्या के निर्माण किए हैं? ए का निर्माण किए हैं। इस प्रकार आप कुछ वर्णों को तोड़कर, वर्णों से संबंधित कुछ अक्षरों को तोड़कर आप शब्दों का परिवर्तन कर सकते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है, मैंने पहले भी बताया। अब बात करते हैं संधि और संयोग में अंतर क्या होते हैं। संधि, संधि और संयोग में अंतर की बात की गई है, डिफरेंस की बात की गई है। संधि होने पर सदा दो वर्णों के बीच में कुछ परिवर्तन आवश्यक होता है। यहाँ पर क्या बताया गया है? जो संधि होने पर दो वर्णों के जो बीच में होते हैं कुछ परिवर्तन आवश्यक होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन की बात की गई है, आवश्यक होता है संधि में। किंतु संयोग होने पर, किंतु संयोग होने पर दोनों वर्णों, दोनों वर्ण केवल आपस में जुड़े रहते हैं। दोनों वर्ण क्या होते हैं? केवल आपस में जुड़े हो जुड़ जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन का विकार नहीं होता। संधि और संयोग की बात की जा रही है, संधि और संयोग के बारे में बताया कि संधि होने पर दो वर्णों के बीच में कुछ परिवर्तन आवश्यक होता है। लेकिन जो संयोग होते हैं दो वर्णों के केवल आपस में जुड़ जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता या कि विकार नहीं होता है। यहाँ पर परिवर्तन और विकार की बात की गई है इसमें संयोग। तो देखते हैं यहाँ पर कि यथा के रूप में दिए गए हुए हैं, अयम धन इव, यथा के रूप में बताई गई है अयम धन इव, तो अयमेव। त्वम धन अपि, त्वम अपि, गुणवान धन इसह, गुणानेशह, सत धन आचारः, सदाचारः।
तो इस प्रकार संधि और संयोग में कुछ अंतर पाए गए हैं। संयोग की बात क्या की जा रही है यहाँ पर कि उनके जो संयोग होते हैं दोनों वर्ण केवल आपस में जुड़े ही होते हैं, आपस में क्या होते हैं जुड़े ही होते हैं, जुड़ जाते हैं बोला गया है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अयम धन एव, ये जो दोनों मिलकर अयम एव ये आपस में जुड़ गए हैं। उसी प्रकार त्वम धन अपि, त्वम अपि गुणन गुणान धन एषः गुणानेशः सत धन आचारः सदाचारः, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, तो यह संयोग के अंतर आएंगे। अब बात करते हैं नीचे पैराग्राफ से देखिएगा, संधि के कुछ प्रकार बताए गए हैं। संधि के प्रकार में क्या क्या संधि के प्रकार होते हैं आपने हिंदी के सब्जेक्ट में संधि के बारे में पढ़ के आए होंगे। तो संधि के प्रकार क्या हैं, उनके टाइप, संधि के टाइप बताए गए हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, संधि जो होती हैं तीन प्रकार की होती है बताए गए हैं। एक होती है स्वर संधि, दूसरे होते हैं व्यंजन संधि और तीसरे होते हैं विसर्ग संधि। संधि के प्रकार के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बाद स्वर संधि के बारे में बात करेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे, विसर्ग संधि के बारे में हम बात करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में स्वर संधि की ही अधिक अभ्यास कराया जाता है, अतः हम यहाँ पर उसी की चर्चा कर रहे हैं। बताया गया है कि प्राथमिक जो कक्षाएँ होती है 1 से 5 तक की जो कक्षाएँ होती है स्वर संधि की अधिक अभ्यास कराया जाता है, स्वर संधि जो होते हैं उनकी अधिक अभ्यास कराई जाती है, अतः हम यहाँ पर उसी की चर्चा कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। देखिएगा स्वर संधि की परिभाषा व भेद। स्वर संधि की जो परिभाषाएं होती है, स्वर संधि की परिभाषाएं और भेद के बारे में हम स्टडी करेंगे। उनके भेद कौन कौन से हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती है। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में बात करते हैं कि स्वर संधि होती क्या है। जब दो स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है, कहाँ पर, दो स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होते हैं। स्वर की बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि हम स्वर संधि के बारे में बात कर रहे हैं, स्वर संधि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले नंबर संधि के तीन प्रकार जो होते हैं उसमें से सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में बात कर रहे हैं। तो दो स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने प्रमुख भेद बताए गए हैं, स्वर संधि के कितने, 5 भेद बताए गए हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो देखिएगा स्वर संधि की जो परिभाषाएं होती हैं, दो स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि की बात की जा रही है, गुड़ स्वर संधि की बात होती है, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। मैं दो दो बार पुनः बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से होते हैं, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। अब बात करते हैं हम स्वर संधि क्या होती हैं, स्वर संधि जो होती हैं उनके जो भेद पाए गए हैं। दीर्घ स्वर संधि के बारे में बात करते हैं कि दीर्घ स्वर संधि होती क्या है। दीर्घ जो स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि जो 5 संधि बताए गए हैं, स्वर संधि के जो भेद बताए गए हैं उनमें सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। दीर्घ स्वर संधि जो होती है, यदि पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में अ आ ई ई उ री तथा री हो तथा उत्तर पद यानी बाद वाले पद में, बाद वाले पद के आरंभ में भी यही वर्ण हो तो दोनों वर्णों से केवल दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या आते हैं आ ई उ और री ही शेष रहेगा। मैंने बताया कि दीर्घ जो स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि में हमेशा क्या होती है मात्राओं का प्रयोग होते हैं। तो एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि दीर्घ स्वर संधि होती क्या है। यदि पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद
जो होते हैं। पूर्व पद की बात की जा रही है। पूर्व पद जब कोई शब्दों को हम पढ़ते हैं, पूर्व पद जैसे उनके अंत में आ आ ई बड़े ई छोटे ऊ और री ऊ री री हो, इसे देखिएगा यहाँ अ धन अ का प्रयोग आ में हुआ है। यहाँ पर मम में अंत पूर्व पद में क्या आ रहे हैं, पूर्व पद में अंत में अ शब्द का प्रयोग हुआ है और उत्तर जो पद हैं उनके प्रारंभ में अ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अ धन अ मिलकर आ का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर आ का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार आरंभ में भी यही वर्ण हो तो दोनों के वर्णों में केवल दीर्घ स्वर आ का प्रयोग, ई का प्रयोग, ऊ का प्रयोग, री का प्रयोग ही शेष रहेगा। यह चीज दीर्घ स्वर संधि के बारे में मैंने बताया। तो इस प्रकार कई उदाहरण से दिए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर देव शब्द का उदाहरण दिए हुए हैं। देव शब्द के पूर्व पद में क्या है, अ शब्द का प्रयोग हुआ है और उत्तर पद के प्रारंभ में आ शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए अ धन आ बराबर आ का प्रयोग हुआ है क्योंकि यह दीर्घ स्वर संधि है। तो दोनों मिलकर आ शब्द बनते हैं। यहाँ पर आ शब्द का देवालय बना हुआ है, व की मात्रा में आ शब्द का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे कुछ दीर्घ स्वर संधि दिए हैं, जैसे सुख धन अंत, सुख के अंत में अ शब्द का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर भी अ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोनों मिलकर आ का निर्माण हुआ है, यहाँ पर सुखांत का प्रयोग हुए हैं। तो इस प्रकार भिक्षा का देख सकते हैं, दया का देख सकते हैं, विद्या का देख सकते हैं, विद्या छात्र है ना। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो दीर्घ स्वर संधि होती हैं कई से प्रकार होते हैं, इनके प्रयोग बताए गए हैं दीर्घ स्वर संधि की। अब बात करते हैं ई शब्द का प्रयोग हुआ है। मैंने पहले बताया कि अशब्द जो का प्रयोग होते हैं, अशब्द के बारे में बताया। अब ई शब्द के बारे में बात करते हैं। ई शब्द जो दिए हुए हैं ई, उसके बाद उस शब्द के बारे में बात करेंगे। उस शब्द जो होते हैं कैसे होते हैं दीर्घ स्वर संधि में, यहाँ पर कपि धन इंद्र, कपि जो शब्द हैं यहाँ पर छोटे ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, सॉरी छोटे ई का, कपि जो शब्द हैं कपि छोटे ई शब्द का प्रयोग हुआ है, प्लस इंद्र के आरंभ में यहाँ पर भी छोटे ई का प्रयोग हुआ है। देख सकते हैं ई धन ई बराबर दोनों मिलकर बड़े ई का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर कपिंद्र प के मात्रा में बड़े ई का मात्रा का प्रयोग हुआ है, कपिंद्र का प्रयोग हुआ है। तो मैंने इनके परिभाषा क्या बताए थे दीर्घ स्वर संधि, यदि पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद की बात की जा रही है, ये जो होते हैं पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के प्रारंभ में, उत्तर पद के आरंभ में ये शब्द का निर्माण होता है तो उनमें परिवर्तन आ जाते हैं। तो मैंने कुछ परिवर्तन करके बताए, यहाँ पर ई धन ई का ई हुआ तो बड़े के मात्र कपिंद्र लगे हुए हैं। उसी प्रकार मुनि की बात की जाती है, मुनि को आप देखिएगा मुनि धन इच्छा मुनिक्षा, मुनि धन ईसह मुनिषह, कपि धन ईश्वर कपीश्वर, देवी धन इच्छा देविक्षा, मही धन इंद्र महिंद्र। इस प्रकार हम इनके इस शब्द का निर्माण के बारे में बात करेंगे। अब कुछ थर्ड नंबर उ शब्द का प्रयोग हुए हैं। उसी प्रकार देखेंगे कि यदि पूर्व पद के अंत में अ का आ का छोटे ई बड़े ई ऊ का बड़ो का री का तथा री हो तो, तथा उत्तर पद में आरंभ में यही वर्ण हो तो दोनों वर्णों के मेल से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। कौन से स्वर का निर्माण होता है, जैसे दीर्घ स्वर में आ का प्रयोग होगा, बड़े ई का प्रयोग होते हैं, ऊ का प्रयोग होते हैं, री का प्रयोग होते हैं, यह शेष रह जाएंगे। तो ऊ शब्द का प्रयोग और बड़ा ऊ शब्द का, सॉरी छोटे ऊ का शब्द का प्रयोग, दोनों ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर भी छोटा ऊ का मात्रा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी छोटा ऊ का मात्रा का प्रयोग हुआ है क्योंकि वह आरंभ शब्द हैं और यह अंत शब्द है। तो दोनों मिलकर आ शब्द का प्रयोग यहाँ पर नू में भानु में देखिएगा दोनों में बड़ा ऊ का मात्रा का प्रयोग हुआ है। प्रभु के प्रारंभ में देखिए छोटे ऊ का मात्रा
और उपकार के आरंभ में छोटा का मात्रा दोनों मिलकर क्या है बड़े का मात्रा का प्रयोग यहाँ पर भी हुआ है वो प्रभुकार। उसी प्रकार यहाँ पर लघु उर्मी का देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट से वो शब्द जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट से अच्छे से स्टडी कीजिएगा। छोटौ धन बड़ौ बड़ौ का मात्रा का प्रयोग हुआ है यहाँ पर लघु उर्मी। पृथु धन ऊर्जा पृथुर्जा चमु धन ऊर्जा चमुर्जा भूधन उद्धुर्वम भूध्रुवम। तो इस प्रकार कुछ मैंने आप लोग को दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताया कि अ शब्द के बारे में बताया ई शब्द के बारे में और उ शब्द के बारे में बताया। कुछ और शब्द दिए हुए हैं तो पेजेस नंबर देखिएगा 97-98 की बात करते हैं 98 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कुछ रि शब्द का प्रयोग करके बताए हुए हैं। रि शब्द के में देखिएगा रि पितृधन ऋणम पितृधन ऋणम की बात की गई है। पितृधन ऋणम यहाँ पर पितृ जो शब्द है उनके आरंभ में त्रि शब्द का प्रयोग हुए हैं और ऋणम शब्द के प्रारंभ में ऋण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये पूर्व पद और ये उत्तर पद दोनों मिलके रि का निर्माण कर रहे हैं तो पितृणम। उसी प्रकार धातृधन ऋणम धातृणम मातृधन ऋद्धम मातृधम मातृधन ऋकार मातृकार। इस प्रकार कुछ अलग अलग शब्दों में मैंने दीर्घ स्वर को बताए। अब बात करते हैं गूढ़ स्वर संधि। हम स्वर संधि के प्रकार के बारे में स्टडी कर रहे हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार बताए गए हैं दीर्घ स्वर संधि गूढ़ स्वर संधि वृद्धि स्वर संधि यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो गूढ़ स्वर संधि क्या होती हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। जो गूढ़ स्वर संधि होते हैं गूढ़ स्वर संधि यदि पूर्व पद के अंत में आ हो पूर्व पद के अंत में पूर्व पद आप लोगों को मूल मालूम होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा सुर जो शब्द हैं उसके अंत में पूर्व पद के अंत में क्या बताया गया है। पूर्व मतलब होता है पहले पहले पद के अंत में अ शब्द का प्रयोग हो आ शब्द का प्रयोग हो तथा उत्तर पद के प्रारंभ में ई और बड़ी शब्द का प्रयोग हो। उत्तर पद ये हो जाएंगे उनके प्रारंभ में ई शब्द का प्रयोग हो छोटे ई और बड़ी का प्रयोग हो तो उनके स्थान पर ई शब्द का प्रयोग हो जाता है। इनके गूढ़ संधि की बात की जा रही है। उ और बड़े उ तथा आ जाए तो उनके स्थान पर उ शब्द का प्रयोग हो जाता है। देखिएगा जब भी आप गूढ़ स्वर संधि की बात करेंगे ये जो शब्द रहेंगे छोटे आ और बड़े आ है ना प्रारंभ में और उत्तर पद में ये जो रहेंगे तो दोनों के बदलाव में क्या होते हैं ए होते हैं और उ और आ और बड़ो हो जाए तो उनके स्थान में ओ का प्रयोग होता है। री होने पर उसे अर कहते हैं। री जब शब्द रहेंगे री शब्द रहने से अर हो जाता है इसे गूढ़ संधि कहा जाता है। समझने में कुछ दिक्कतें होगी थोड़ा सा आप बुक को स्टडी करिएगा 2-3 बार बुक को स्टडी कीजिएगा है ना। बुक को स्टडी करने के बाद आपको जहाँ समझने में नहीं आएगी पूछिएगा फिर से मैं उनको आपको दोबारा उस टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगा। गूढ़ जो संधि होते हैं मैंने उनके परिभाषा के बारे में पुनः पढ़ना चाहूँगा। यदि पूर्व पद के अंत में पूर्व पद मैंने बताया कि कौन से होते हैं पहले जो पद होते हैं उनके अंत में अ शब्द हो आ शब्द हो तथा उत्तर पद के आरंभ में छोटी और बड़ी हो तो उनके स्थान पर ए शब्द का प्रयोग हुआ ए शब्द का प्रयोग हुआ उ और बड़ो आ जाए तो उनके स्थान पर ओ शब्द का प्रयोग हुआ री होने पर अर शब्द का प्रयोग हुआ। इस प्रकार गूढ़ स्वर संधि कहे जाते हैं। देखिएगा गूढ़ स्वर संधि के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कैसे एग्जांपल्स बताए गए हैं अच्छे से स्टडी करते हैं। अ आ धन ई ई बड़े ई रहने पर ई शब्द का प्रयोग होगा मैंने पहले भी परिभाषा में बताया। अ आ धन ऊ और बड़े ऊ रहने पर ओ शब्द का प्रयोग होगा।
इस फार्मूले को याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट इस फार्मूले हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इनके जो कुछ प्रयोग बताए गए हैं, सुर पूर्व पद पहले पद हैं, इनके प्रारंभ में अ शब्द का प्रयोग हो रहा है। इंद्र ये उत्तर पद हैं, इनके आरंभ में ई शब्द का प्रयोग हो रहा है। आ गया, छुटई आ गया, दोनों मिलके ए शब्द का प्रयोग होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सुरेंद्र यहाँ पर भी प्रयोग हुए हैं, दोनों पद मिलकर क्या बन रहे हैं, यहाँ पर सुरेंद्र का निर्माण कर रहे हैं, ई शब्द का निर्माण हो रहा है। र में एक मात्रा का प्रयोग हुए हैं। उसी प्रकार आप देखिएगा नर धन इसह नरेश का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी प्रारंभ में पूर्व पद में अ शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ बड़े ई का मात्रा हुआ है, तो दोनों मिलकर ई शब्द का निर्माण किए हैं। पूर्ण धन इंदु पूर्णेन्दु, गण धन इसह गणेश, महाधन इंद्र महेंद्र, रमा आ शब्द का प्रयोग हुआ है, ये आ शब्द का निर्माण हुआ है, और इति छोटे ई शब्द का प्रयोग हुआ है, दोनों मिलकर ए शब्द का प्रयोग हुए हैं। रमेंद्री रमेति रमाधन इति बराबर होता है रमेति, राजा धन ईसह राजेश, महाधन ईश्वर महेश्वर। कुछ पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में मैं फिर से बताना चाहूँगा। पूर्व जो पद होते हैं पहले के पद होते हैं, और उत्तर जो पद होते हैं उनके अंत के पद होते हैं। पूर्व पद के अंत में ये शब्द का प्रयोग होना चाहिए, और उत्तर पद के प्रारंभ में भी ये शब्द का प्रयोग होना चाहिए, दोनों मिलकर ए का प्रयोग होते हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल से बताए, अब ख शब्द के कुछ एग्जाम्पल्स बताना चाहूँगा। ख शब्द के जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, यथा हैं अ आ धन उ, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, ओ का निर्माण करते हैं। कैसे ओ का निर्माण हुआ है देखिएगा, कुछ उदाहरण बता रहा हूँ मैं। सर्व सर्व शब्द ये क्या हुए हैं, पूर्व पद हुए, ये क्या पद हुए, पूर्व पद हुए हैं सर्व। इनके प्रारंभ की बात अंत की बात की जा रही है, अंत में क्या शब्द हो रहे हैं, यहाँ पर सर्व सर्व जब पढ़ रहे हैं तो उनके अंत में अ शब्द का प्रयोग आ रहा है। धन उदयः यहाँ पर धन उ जो है छुटौ का मात्रा, उत्तर पद के पहले उ शब्द का प्रयोग हुआ है, तो दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर हम आ शब्द का ओ शब्द का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों मिलकर सर्वोदय ओ व में ओ का मात्रा आया है, सर्वोदय ओ शब्द का प्रयोग हुआ है देख सकते हैं। और एग्जाम्पल्स मैं बताना चाहूँगा, पर के पूर्व पद हैं, पर में अ शब्द का प्रयोग हुआ है, उ धन उ शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर देखिएगा अंतिम पद के प्रारंभ में उ शब्द का प्रयोग हुआ है, पर के शब्द के पर जो है पूर्व पद है उनके प्रारंभ में अ शब्द का प्रयोग, दोनों मिलकर क्या शब्द का निर्माण करेंगे, ओ शब्द का निर्माण करेंगे। यहाँ पर ओ शब्द मैंने बताया, ओ शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, तो अ धन उ बराबर ओ शब्द यहाँ पर देखिएगा ओ का मात्र का प्रयोग, र में ओ का मात्र का प्रयोग हुआ है, तो पर धन कार परोपकार। उसी प्रकार आप महाधन उदय को देखेंगे महोदय, रमाधन उक्ति है रमोक्ति है, जन धन उर्मी जलोर्मी, नवधन उड़ा नौड़ा, गंगाधन उर्मी गंगोर्मी, महाधन उर्मी महोर्मी। इस प्रकार सभी एग्जांपल्स को आप अच्छे से स्टडी कीजिए, जहां आपको समझने में दिक्कत होगी बताइएगा, मैं उनको पुनः बताऊंगा। अब ग उदाहरण के बारे में बात करते हैं। ग उदाहरण जो है यहां पर अ धन अ आ धन री मिलकर क्या बनते हैं, अर शब्द का निर्माण करते हैं। अ स्वर रहेंगे, आ स्वर रहेंगे, री स्वर रहेंगे, क्योंकि हम स्वर संधि के बारे में बात कर रहे हैं। स्वर संधि में हम किसकी बारे में बात कर रहे हैं, स्वर संधि के प्रकार, जो दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिए, गुड़ स्वर संधि के बारे में बात कर रहे हैं, गुड़ स्वर जो संधि होती हैं। अ शब्द और आ शब्द पूर्व पद में रहेंगे, और उत्तर पद के प्रथम में री शब्द का निर्माण होगा, तो दोनों मिलकर अर शब्द का निर्माण होता है। जैसे
बात करते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल्स में देव और शब्द का निर्माण हुआ है पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के प्रारंभ में री शब्द का निर्माण हुआ है। मैंने क्या बताया, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, पूर्व पद है, उत्तर पद है, तो दोनों मिलकर क्या निर्माण करेंगे, अर शब्द का निर्माण करेंगे, बराबर अर शब्द का निर्माण करेंगे। तो अर शब्द का निर्माण हुआ है कि नहीं देखते हैं एग्जांपल्स में। यहाँ पर देखिए देव धन ऋषि है, देव धन ऋषि है, तो देवर्षि, देवर्षि अर शब्द का निर्माण हुआ है, देखिएगा देवर्षि, यहाँ पर स में अर शब्द का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार महा धन ऋषि, यहाँ पर आ शब्द का प्रयोग हुआ है, महा की आ शब्द का निर्माण हुआ है, यहाँ पर भी ऋ शब्द का निर्माण हुआ है, दोनों मिलकर अर शब्द का निर्माण किए हैं। जैसे महर्षि, वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु, इस प्रकार मैंने आप लोग को वृद्धि स्वर सॉरी गूढ़ स्वर संधि के बारे में बताया, दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताया, संधि के प्रकार के बारे में बताया। कल पुनः मैं इस टॉपिक को एक बार रीजन के रूप में बताना चाहूँगा और उसके बाद जो वृद्धि स्वर संधि है, यड़ स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि को, अच्छे से स्टडी करके आइएगा। बाय बेटा।